सब्सक्राइब कीजिए एमकेएस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो में मैं 3D फिगर्स को ड्रॉ करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करते हैं। क्यूब ड्रॉ करने के लिए दो स्क्वायर ड्रॉ करना होता है साइड बाई साइड। तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं स्केल की सहायता से। स्क्वायर का चारों साइड बराबर बराबर होता है, तो चलिए स्केल की सहायता से दो दो इंच का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे एक स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए एक स्क्वायर बन चुका है। और फिर एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है इसी के साइड में, तो चलिए फिर से दो इंच का एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर रख करके ड्रॉ करना है इस स्क्वायर को। फिर दो इंच का लाइन लेकर और अंदर की तरफ इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए अब इसी तरह से इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे दो दो यूनिट लेकर। यहाँ पर मैंने स्केल पे दो दो इंच लेकर ड्रॉ किया। इस लाइन को डॉटेड ही रखना है क्योंकि ये अंदर का लाइन है। अब चलिए दोनों स्क्वायर के वर्टिसेज को कॉर्नर को जो आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब इस कॉर्नर को भी ज्वाइन कर देते हैं जिससे ये क्यूब बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक परफेक्ट क्यूब बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड बनाने के लिए दो रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसे दो यूनिट रख लेते हैं और नीचे बेस को मैंने 3 यूनिट लिया है, मतलब 3 इंच, और ये ऊंचाई को 2 इंच रखते हैं। फिर से एक दूसरा रेक्टेंगल बनाना है इसी मेजरमेंट का, 2 इंच लेते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखकर। और क्यूब में जैसे हम ड्रॉ किए थे ठीक उसी तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, अंदर की लाइन को डॉटेड रखना है। बस 3 मिनट तक। ऊपर भी 3 यूनिट का लाइन ड्रॉ करना है, 3 इंच मैंने लिया था। अब दोनों रेक्टेंगल के कॉर्नर को ज्वाइन करना है। ये देखिए दोनों रेक्टेंगल के कॉर्नर को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया और ये क्यूबॉइड बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और उससे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे फिर से एक दूसरा लाइन लेना है। तो चलिए 3 यूनिट पे मैंने प्लेस कर दिया पॉइंट्स को। अब वहाँ पे सेम उसी हाइट का एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोनों लाइन
के किनारे पे सर्कुलर शेप देना है तो उसके लिए कंपास यूज कर लेते हैं। कंपास को बीच में प्लेस करना है और उसके दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करना है। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक इसी तरह से नीचे भी करना है। ये देखिए ज्वाइन कर दिया। और फिर कंपास को ऊपर की तरफ भी करना है तो चलिए इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। दोनों किनारे पे इसी तरह से सर्कुलर शेप देना है। कंपास से इसे बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है जैसा आप देख रहे होंगे। चलिए अब एक कोन बनाकर दिखाते हैं। कोन बनाना बहुत ही आसान है। पहले एक लाइन ले लेना है। चलिए 2 इंच का मैंने लाइन सेलेक्ट किया और उसके मिड पॉइंट पे भी मार्किंग कर दीजिए। अब मिड पॉइंट के ठीक ऊपर में एक सर्टेन हाइट पे एक पॉइंट को मार्क करना है। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए स्केल की सहायता से। ठीक इसी तरह से इस दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब नीचे हाथ से भी आप इसे सर्कुलर शेप दे सकते हैं। ये देखिए और ये कोन बनकर तैयार हो गया है। चलिए एक दूसरा कोन उल्टा करके बनाकर दिखाते हैं। इसका प्रोसेस भी उसी तरह से होगा। पहले हाइट सेलेक्ट कर लिए और उसके दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क कर देते हैं ऊपर में। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद ऊपर में अब एक सर्कल का शेप देना है। ये देखिए हाथ से आप लोग आराम से सर्कुलर शेप दे सकते हैं और ये कोन बनकर तैयार हो गया। चलिए अब एक स्फीयर बनाकर दिखाते हैं। स्फीयर बनाना बहुत आसान है। पहले कंपास की सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करना है तो चलिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ हो चुका है। इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब इसमें एस शेप बनाना है डॉटेड लाइंस रखकर। तो ये देखिए एस बना देते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके थैंक यू।